हेलो दोस्तों, 11 जनवरी को इंडिया और अफगानिस्तान का पहला T20 मैच खेला गया। इसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। अफगानिस्तान ने बैटिंग करते हुए पहले 158 रन बनाए और भारत को 159 रनों का टारगेट दिया। अब बारी थी भारत की। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और सुमन गिल रनों का पीछा करने के लिए मैदान में आते हैं। पहले ओवर की दूसरी ही बॉल पर रोहित शर्मा सामने की तरफ शॉट लगाकर रन भागने का कॉल करते हैं और सुमन गिल उस कॉल को नज़रअंदाज करके भागते नहीं हैं। इस वजह से रोहित शर्मा रन आउट हो जाते हैं और वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाते हैं। फिर और बीच मैदान पर ही सुमन गिल को बहुत कुछ सुनाने लग जाते हैं। रोहित शर्मा लगभग 1.5 साल के बाद वापस T20 में वापसी कर रहे थे। उनके फैंस के लिए बहुत ही ये बुरा दिन था कि वो अपने चहेते खिलाड़ी को वापस अपने रंग में नहीं देख सके। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा के फैन सूर्य कुमार यादव को बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि एक मैच में जब रोहित शर्मा रन आउट होने वाले थे, वो इसी प्रकार नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के क्रीज में पूरी तरह से पहुंच चुके थे, पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे सूर्य कुमार यादव। उनको पता था कि अब भागने पर वो रन आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो रोहित शर्मा के विकेट को बचाने के लिए अपना क्रीज छोड़ देते हैं और सामने की ओर भागते हैं। इतने में वो रन आउट हो जाते हैं। बस इसीलिए लोगों ने इनकी दोस्ती को बहुत सराहा है। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सुमन गिल और रोहित शर्मा में से किसकी ज़्यादा गलती थी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।